हाउ आर यू ऑल, होपफुली यू आर ऑल गुड। आज की जो वीडियो है वो है साइको एनालिसिस थ्योरी पे। साइको एनालिसिस थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो फ्राइड ने पेश की। इस थ्योरी को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। आपका वेलकम है आपके प्यारे चैनल स्टडी विद खोला में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। इसका इंट्रोडक्शन। साइको एनालिसिस थ्योरी जो है फाउंडेड बाय सिगमंड फ्रायड। हिज फुल नेम इज सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड बोर्न इन 6 मई 1856 23 सितंबर 1939। इनका जो बर्थ प्लेस है वो वीना ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट फादर ऑफ साइको एनालिसिस थे। ये डेफिनेशन साइको एनालिसिस होता क्या है। इट्स अ मेथड ऑफ माइंड इन्वेस्टिगेशन स्पेशली रिलेटेड विद अनकॉन्शियसनेस। ये एक मेथड है जो इंसान के अनकॉन्शियस से रिलेट करता है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी इसकी क्या डेफिनेशन देती है। अ थेरेप्यूटिक मेथड ओरिजिनेटेड बाय सिगमंड फ्रायड फॉर ट्रीटिंग मेंटल डिसऑर्डर्स बाय इन्वेस्टिगेटिंग द इंटरेक्शन ऑफ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियसनेस elements in the patient's mind and bringing repressed fears and conflicts into the conscious mind using techniques such as dream interpretation and free association. Freud theory related to personality. He presented three elements. Isne three elements pesh kiye. First one is id, second one is ego, एंड थर्ड वन इज सुपर ईगो। इड जो होती है वो कहती है हमेशा के आई वॉन्ट दिस। इड रिलेटेड होती है इंसान के थिंकिंग प्रोसेस से, जो बेसिकली बायोलॉजिकल जो ख्वाहिशात इंसान की होती हैं, फॉर एग्जाम्पल हंगर होता है, सेल्फ प्रोटेक्शन होता है, इड उनसे डील करती है। ईगो, दिस इज नॉट द वे टू गेट इट। ईगो इंसान को समझाती है कि ये तरीका नहीं है कि तुम जो है चीज़ें हासिल कर सको। ये बेसिकली जो इंसान की जो सीकिंग जो होती हैं प्लेयर से रिलेटेड, जो इंसान की ख्वाहिशात होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेक्स अर्जेस, सेक्स की जो ख्वाहिशात हैं, इस तरह की डिफरेंट जो ख्वाहिशात हैं, ये उनसे रिलेट करता है। जो सुपर ईगो है वो कहता है कि चले जी अब इस पर काम स्टार्ट करते हैं, लेट्स वर्क ऑन इट। ये इंसान को मोटिवेट करता है कि आपने जो है वो बुरा रवैया यूज़ नहीं करना, एथिकल वेज में जो है अपनी ख्वाहिशात को हासिल करना है। इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है इड, ईगो एंड सुपर ईगो का क्लियर हो सके। एग्जांपल नंबर वन, इड। इड कहती है जी आई वॉन्ट चिकन बर्गर, यानी इंसानी जो दिमाग है वो कह रहा है कि मुझे एक चिकन बर्गर चाहिए। बट यहाँ पे ईगो क्या कहेगी, अच्छा ठीक है अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा खा लो, एक पीस ले लो बर्गर का, उसको खा लो ताकि जो आपकी ख्वाहिश है वो पूरी हो सके। या जब सुपर ईगो यहाँ पे जो थर्ड एलिमेंट है पर्सनैलिटी का जो फ्राइड ने प्रेजेंट किया, वो समझाएगा यू आर ऑन डाइट, आप डाइट पे हो, प्लीज स्टॉप थिंकिंग। ये एक एथिकल जो है थर्ड एलिमेंट है, ये इंसान को समझाता है, मोटिवेट करता है चीज़ों को अच्छे तरीके से हासिल करने के लिए। एग्जाम्पल नंबर टू, इड। इड कहती है आई एम कम्प्लीटली डिसकनेक्टेड फ्रॉम रियल लाइफ आइडेंटिटी, आई एम फ्री टू एक्सप्रेस माई क्रिएटिविटी डिजायर्स एंड ड्रीम्स। एक पर्सन है वो कह रहा है कि मैं जो है अपनी रियल लाइफ आइडेंटिटी से डिसकनेक्ट हो चुका हूँ, सो मुझे क्या चाहिए, मैं अपनी जो क्रिएटिविटी है, डिज़ायर्स है और ड्रीम्स हैं, मैं उनको फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता हूँ। बट ईगो यहाँ पे कह रही है आई एम कनेक्टेड टू माई रियल लाइफ आइडेंटिटी, आई एम पोस्टिंग माई सेल्फ टू माई सोशल मीडिया सर्कल। मैं अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट हूँ तो मैं अपना जो अपने बारे में सोशल मीडिया पर प्रेजेंट कर सकता हूँ। सुपर ईगो यहाँ पे समझाएगी, वो कहेगी आई माइट बी कनेक्टेड टू माई रियल लाइफ फ्रेंड्स, नॉट आई कैन इक्वली रीच पीपल, आई डोंट नो येट, मैं अभी तक नहीं जानता, आई हैव टू प्रेजेंट द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ टू द वर्ल्ड।
जैसे कि ईगो ने कहा कि मैं तो फ्रीली एक्सप्रेस करूंगा अपनी डिजायर्स, अपनी ड्रीम्स, बट सुपर ईगो कह रहा है ये है सोशल मीडिया, आप अपना जो रियल नहीं प्रेजेंट करोगे, आप अपना बेस्ट वर्जन जो है दुनिया को दोगे एथिक्स में रहते हुए। ये दी था फ्राइड का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच लर्नर्स फॉर ज्वाइनिंग अवर चैनल स्टडी विद फोला। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। अल्लाह हाफिज़।